হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু দ্য চ্যানেল। তো আজকা টপিক ছোটা সা ভিডিও হোনে বালা হ্যায়, শর্ট ভিডিও বহুত হি আচ্ছা হ্যায়। জিন লোগো কো পাতা নেই উন লোগো কে পাস, আর জিনকো পাতা হ্যায় উনকো তো পাতাই হ্যায়। তো আজ হাম দেখেঙ্গে কে ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই সে ক্যাসে ভিএরএম सेक्शन का मदरबोर्ड का वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल सेक्शन का शॉर्ट कैसे रिमूव किया जाता है। तो ये एक बोर्ड है फिलहाल मेरे पास, गीगाबाइट का 61 MS। तो ये शॉर्टेड है, VRM सेक्शन शॉर्ट है। तो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पहले देख लो। तो ये इजी वे है, मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ता है, फिर भी रिक्वेस्ट है इसलिए बना रहा हूँ वीडियो को। देखो वीडियो का डाल रहा हूँ और क्या डालना है, फैन डालना है। ठीक, आपके पास भी अगर हो डीसी पावर सप्लाई तो आप भी इजीली कर सकते हो। तो अभी मैं SMPS ऑन कर रहा, देख सकते हो यहाँ पर PS1 वोल्टेज जो है आ चुका है, डिबग कार्ड में लाइट ग्लो हो चुका है। तो अभी हम इसको स्विचिंग करते हैं। देखो तो मैंने स्विचिंग किया, थोड़ा सा लाइट जला, बंद हो गया। आपने देखा अभी, बस इतना ही हो रहा है, थोड़ा सा लाइट जला बंद हो गया। तो अब कर रहा हूँ मैं अभी ये 4PIN ATX को खोल रहा हूँ, SMPS को एक बार ऑफ कर दूँ और ये वाला 4 पिन भी खोल रहा हूँ एक बार, क्योंकि ये शॉर्ट है ये तो नहीं चलेगा। और यहाँ पर एक बार शॉर्ट करना है ट्वीज़र से, फिर जाके इसको दोबारा इंसर्ट करना है और SMPS को पावर देना है। अब देखो डायरेक्टली ऑन हो गया, कोई बात नहीं, तो बोर्ड चल रहा है। लेकिन जब भी मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा तब ये बोर्ड बंद हो जाएगा। ठीक, दैट मीन्स VRM सेक्शन का शॉर्ट है। ठीक, तो देखो अभी ध्यान से देखो। ठीक है, ये डीसी पावर सप्लाई कब काम आता है वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये शॉर्टिंग बोर्ड आपके पास आया है। देखो आपके पास डीसी पावर सप्लाई नहीं है तो कोई बात नहीं, इसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो मैं भी डीसी पावर सप्लाई एक्चुअली यूज़ नहीं करता हूँ मदरबोर्ड के लिए, डेस्कटॉप मदरबोर्ड के लिए। तो मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारा लोगों ने कहा है मुझे दिखाने के लिए, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अगर उन्हें तसल्ली मिले और काम करने में अच्छा लगे तो वो करे, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस सिखाने के लिए रेडी हूँ, आप कितना ले सकते हो आपके पास है वो। तो देखो इस टाइप के जो शॉर्ट होता है, मैक्सिमम यहाँ पर जितने भी मॉसफेट वगैरह है, ये मॉसफेट अगर डायरेक्टली शॉर्ट है तो मल्टीमीटर से कोई बात नहीं, इशू नहीं, डायरेक्टली आप शॉर्ट निकल सकते हो। अगर इनमें से कोई लीकेज है, मान लो अगर इनमें से कोई लीकेज है, चलो मैंने मल्टीमीटर को यहाँ पर डाल रहा हूँ, दिख रहा है मल्टीमीटर, चलो मल्टीमीटर दिख रहा है। तो अब देखो यहाँ पर जो 4 पिन 12 वोल्ट का सेक्शन होता है CPU पावर, तो ये नॉ, ये एक नॉफ है, ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो मैक्सिमम केस में जो होता है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम, मैक्सिमम केस तो हो जाता है मल्टीमीटर से। तो देखो अभी देखो, सॉरी ये CPU लगा है इसीलिए आ रहा है, तो CPU को हटा लेना है पहले, शॉर्ट चेक करना है। तो अभी देखो, अब देखो रीडिंग आके 0L आ गया है। ठीक है, मल्टीमीटर में फॉलो करो, मतलब यहाँ पर शॉर्ट नहीं है। तो मैं घुमा देता हूँ प्रोब को, फिर से देखो रीडिंग आया 0L पे आ गया, मतलब यहाँ पर शॉर्ट नहीं है। तो मदरबोर्ड यहाँ पर SMPS का जो 4PIN ATX डालने के बाद चल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। तो अगर MOSFET को अगर चेक करें तो हर MOSFET पे ही बीप देगा, कौन सा MOSFET खराब है आपको पता करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अभी मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो प्रोसेस अप्लाई करने के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा MOSFET खराब है।
और जिनके पास डीसी पावर सप्लाई नहीं है उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो प्राइमरी सेक्शन का जो मॉस्फेट है पहला वाला जिसमें 12 वोल्ट आता है, सारे के सारे आप हटा दीजिए। अगर मल्टीमीटर में उसके बाद भी वो हटाने वाला मॉस्फेट शॉर्ट नहीं आए तो वो ना लगाए एक भी दूसरा किसी स्क्रैप बोर्ड से। वो टोटल 4 मॉस्फेट होगा यहाँ पर करीब प्राइमरी सेक्शन में, जो फास्ट मॉस्फेट कहा जाता है, वो फास्ट मॉस्फेट को हटा के फिर नया वाला हो या फिर किसी स्क्रैप बोर्ड वाला हो उसे लगा दे। अगर लीकेज रहे तो सॉल्व हो जाएगा, और अगर लीकेज नहीं है तो पता तो चल ही जाएगा उठाने के बाद, यहाँ पे रिमूव करने के बाद पता ही चलेगा मल्टीमीटर से। जब आप चेकआउट करोगे सोर्स और गेट पे, जब भी कोई मॉस्फेट में बीप आ रहा है तो वो ख़राब है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, डीसी पावर सप्लाई यूज़ करने से और एक फ़ायदा है। देखो यहाँ पर अगर छोटा मोटा कुछ LMCC जो सिरामिक कैपेसिटर है छोटा मोटा, ये अगर शॉर्ट है तो जब भी यहाँ पर वोल्टेज आप इंजेक्ट करोगे तो कितना वोल्टेज देना है वो मैं बाद में दिखा रहा हूँ, तब ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये PWM IC जो होता है कोर IC, ये कभी कभार ख़राब हो जाता है, 6181 मदरबोर्ड में ज़्यादातर होता है। तो इस सिचुएशन में अगर डायरेक्ट SMPS का ATX डालोगे तो ये IC हीट नहीं होता है और मदरबोर्ड शॉर्ट रहता है, चलता नहीं है। तो अगर ये IC भी ख़राब हुआ तो DC पावर सप्लाई से वोल्टेज को इंजेक्ट करने से ये IC भी हीट हो जाएगा, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो अगर आप काम करते हो, एक्सपर्ट हो, तो DC पावर सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक मनगढ़ंत कहानी है बस और कुछ नहीं। और ये गैप BLM सेक्शन और इसके नीचे जो है लोअर सेक्शन में, इस सेक्शन में DC पावर सप्लाई का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर भी अगर आप कोई चाहे तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना दूंगा, आज के टॉपिक है BLM सेक्शन के ऊपर, ठीक है। और थोड़ा सा बता दूँ, इस सेक्शन में अगर प्रॉब्लम होता है मदरबोर्ड में तो DC पावर सप्लाई से वोल्टेज इंजेक्ट करने से आपको अगर IO शॉर्ट है तो पता चलेगा, साउंड IC शॉर्ट है और LAN IC शॉर्ट है, और PCH अगर ख़राब है तो पता चलेगा। अदरवाइज बायस ख़राब हुआ तो नहीं पता चलेगा, क्रिस्टल ख़राब हुआ तो नहीं पता चलेगा, तो ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अगर रिक्वेस्ट रहा तो एक वीडियो बना दूंगा। तो पहले हम देख लेते हैं वोल्टेज को इंजेक्ट करके। तो सबसे पहले आपको DC पावर सप्लाई को ऑन कर लेना है और आपको वोल्टेज सेट करना है। मैं घुमा रहा हूँ थोड़ा सा, ये हटा देता हूँ, एक सेकेंड, दिख रहा है ना। तो ये वोल्टेज आपको 5 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट से नीचे रखना है, ठीक है। 8 वोल्ट 9 वोल्ट रख सकते हो, कोई बात नहीं। और एम्पेयर आपका अगर 10 एम्पेयर वाला DC पावर सप्लाई है तो 6 7 8 तक रख सकते हो, और अगर आपका 5 एम्पेयर वाला DC पावर सप्लाई है तो आप डायरेक्टली 5 पे रख दो, यहाँ पर नीचे एम्पेयर का होता है, तो ऐसे रखना है, ठीक है। तो मैंने अभी रख दिया, देख लीजिए मैंने 8.65 वोल्ट पे रखा है, और इधर मैं घुमा देता हूँ, और ये हमारा बोर्ड है मेरे पास, मल्टीमीटर को हटा देता हूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ पर जो ये दोनों DC पावर सप्लाई से कनेक्टेड है, ये वायर को मैं एक को माइनस को मैंने यहाँ पर ग्राउंड कर देना है, ठीक है। तो लैन पोर्ट में भी दे सकते हो, कहीं भी पोर्ट पे दे सकते हो, पर लैन पोर्ट में ही देना बेहतर है, ठीक है। बस ऐसे दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे, तो देख लो लैन पोर्ट में देना है। और एक ट्वीज़र लेना है आपको, बस ट्वीज़र में ये वाला प्रोब को, रेड प्रोब को, पॉजिटिव को ऐसे फिक्स करना है, ठीक है। और ट्वीज़र को आपको देना है ट्वीज़र, ये जो VLM सेक्शन का 4 पिन ATX से 12 वोल्ट, तो अभी हमने 8.65 वोल्ट सेट किया, तो अभी देखो अभी मैं डायरेक्टली पॉजिटिव पे ये डाल रहा हूँ, ठीक है। देखो एक बीप दिया मेरा DC पावर सप्लाई में। तो अभी हम यहाँ पर चेक करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ओ माय गॉड, ये वाला मॉस्फेट बहुत हीट हो रहा है, ये वाला मॉस्फेट, ठीक है, ये वाला मॉस्फेट दिख रहा है आपको, बहुत हीट हो रहा है। तो ठीक है, पहले इसे हटा देते हैं। और अभी मेरा OCP पे था इसीलिए बीप दिया,
अगर सीसी पे रहता तो बीप नहीं देता। तो अभी हम ये वाला जो मॉस्फेट है, ये वाला मॉस्फेट बहुत हीट हो रहा है, तो अभी तुरंत हम इसे उठा देंगे, ठीक है। और एक बात मैं बोल रहा हूँ, तो पहले मैं उठा लेता हूँ फिर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका शॉर्ट हट गया, बेरम सेक्शन से शॉर्ट अगर शॉर्टिंग अगर हट गया, तो डीसी पावर सप्लाई में कोई भी एम्पेयर कंज्यूम नहीं करेगा। अगर शॉर्ट नहीं हटा तो कुछ ना कुछ एम्पेयर कंज्यूम करेगा, 2, 3, 4, 5 जो भी हो, 10, 12, 15, 20। तो ये वाला मॉस्फेट हीट हो रहा है, तो इसे हम निकाल देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मैं इसे निकाल रहा हूँ, तो कितने आसानी से पता चल गया कि ये वाला मॉस्फेट हीट है। पर यहाँ पर जब टेस्ट कर रहा था तब रीडिंग नहीं आ रहा था, कोई बीप नहीं दे रहा था, तो मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, साथ में रहो। चलो ये देखो मैंने उठा दिया, यहाँ पर रख रहा हूँ, हटा दिया। अभी आपको बस एक चीज़ और चेक कर लेना है बोर्ड में, कि ये जो आपने मॉस्फेट अभी उठाया वो सोर्स और गेट पे ऑन बोर्ड पे बीप दे रहा है कि नहीं। अगर बीप दे रहा है तो बोर्ड में और भी कुछ शॉर्टिंग वगैरह है, पीसीबी में शॉर्टिंग हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, नहीं यहाँ पर कुछ शॉर्टिंग नहीं है, बीप नहीं दे रहा है सोर्स और गेट में। तो फिलहाल ये मॉस्फेट यहाँ पर रखने से दिख रहा है, हाँ, तो फिलहाल ये मॉस्फेट फॉल्टी निकला। तो अभी इसे भी चेक कर लेते हैं, तो मल्टीमीटर को यहाँ पर रख देते हैं, तो देखते ये शॉर्ट है कि नहीं। देखो ड्रेन पे मैं ब्लॉक को रख रहा हूँ और सोर्स पे डायरेक्टली दे रहा हूँ, तो ये सारे पिन में बीप दे रहा है। तो इसे एक बार इसे उंगली रख के शॉर्ट करना है, उसके बाद फिर, हाँ ये खराब हो चुका है, ठीक है, ये खराब हो चुका है। तो चलो एक और भी देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ और शॉर्टिंग है कि नहीं। तो और एक बार मैं इंजेक्ट करूंगा वोल्टेज को, तो ये मैंने। और एक चीज़, हाँ, जो जब भी आप वोल्टेज इंजेक्ट करें तब रैम और सीपीयू को बोर्ड से हटा लेना है, ठीक है, इतना याद रखना है, रैम और सीपीयू बोर्ड में ना रहे, ठीक है। अगर रहे तो कई कारण सीपीयू भी खराब हो जाएगा आपका और रैम भी, ठीक है। तो मैं और एक बार इंजेक्ट कर रहा हूँ, मल्टीमीटर को हटा रहा हूँ अभी। तो देखो, देख सकते हो अभी कोई बीप नहीं दे रहा है और कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब देखो कोई भी एम्पेयर कंज्यूम नहीं कर रहा है यहाँ पर। अगर शॉर्टिंग रहता तो यहाँ पर कुछ भी एम्पेयर कंज्यूम करता, ठीक है। तो शॉर्टिंग हट चुका है, ये बिल्कुल इजी ट्रिक है। और यहाँ पर और कोई मॉस्फेट हिट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक मॉस्फेट लगा देते हैं, ये इन चैनल का मॉस्फेट है। तो अभी सेम बोर्ड है एक, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ एक मॉस्फेट। चलो कोई बात नहीं, साथ में रहो। चलो एक उठा लिया, अब इसे यहाँ पर सेट करना है, ठीक है। मैं सेट कर रहा हूँ बोर्ड को, मैं इधर घुमा लेता हूँ। चलो मैंने बैठा दिया है, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ यहाँ पर।
कितना मिनट हो गया, 50 मिनट, ज़्यादा नहीं कर सकते, वीडियो दो पार्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई बात नहीं, सीपीयू को एक बार लगा के दिखा देता हूँ। तो भी 4 पिन ATX डाल रहा हूँ और फैन भी एक लगा रहा हूँ। रैम को रहने दो, कोई बात नहीं, शॉर्ट हटा कि नहीं बस इतना ही देखना है आपको। चलो मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, PS1 वोल्टेज आ गया, डिबग कार्ड पे देख सकते हो। तो देखो अभी ऑन कर रहा हूँ, ये बिंदास चल रहा है, रैम नहीं है और बोर्ड में 00 कोड है, ये शायद कोई और इशू है, ठीक है, वो मैं बाद में सॉल्व कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन देख सकते हो आप VRM सेक्शन का जो शॉर्ट है वो पूरी तरीके से हट चुका है। तो ऐसे आप इजीली कर सकते हो अगर आपके पास DC पावर सप्लाई है तो। ये बहुत ही काम का चीज़ है, अगर आप नया हो तो काम आएगा, और एक्सपर्ट बन जाओगे तब DC पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बात नहीं। अगर व्यू अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, लव यू ऑल, जय हिंद।